सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। फिर से हम लोग प्रभु के दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान का वो यादगारी मनाने के लिए हम इन दिनों में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम चीर शोभ से इस 40 से ग्यावधि पर जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिन कार्यों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें पुनः याद करें। 40 के शुरुआत में बीचों बीच में भी मैं अक्सर आप सबों को यही कहता आया हूं कि अगर हमारे जीवन में हम किसी रिश्ते को वापस पुनः स्थापित कर पाए तो ये हमारे लिए एक अनोखा 40 की अवधि एवं पास्का का अवसर होगा। प्यारे भाई और बहनों, वही आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में पुनः दोहराना चाहूंगा, हमारे जीवन में हम पुनः विचार करें और संबंधों को पुनः स्थापित करने की कोशिश करें, क्षमा दे, क्षमा मांगे। ये अवसर हम सबों के लिए अनुग्रह करे है, आशीष करे है। हम प्रार्थना में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की मदद मांगे है उन्हें हम समर्पित करते हैं। हमारे निजी निवेदनों को भी हम समर्पित करते हैं। सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी दुर्बलता के कारण शिथिल पड़ गए हैं। तेरे पुत्र के दुख भोग के प्रभाव से हम नव जीवन प्राप्त करें, ऐसे कृपा कर।
उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ही शुरू होकर युगानुग जीते और राज्य करते प्रभु का आत्मा आपके जो है तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1-7। यह ना तो चिल्लाता और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है। जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बना और फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया है और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष, हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम, तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ, आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 12 पद संख्या 1-11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथनी आए, वहां लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मरता परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटमांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया
और अपने केशों से उसके चरण पोछे। इत्र की सुगंध से सारा घर धमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदास इस्करियोती थी, जो उसके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और पुण्य सप्ताह में हम प्रभु के मृत्यु के मनन चिंतन में इन दिनों में समय बिताएंगे। तो इस दौरान प्रभु के मृत्यु के तुरंत पहले की कुछ घटनाएं आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिली है। यहां पर अगर इस सुसमाचार भाग को मैं प्रेम और धोखे की कहानी ऐसे बताऊं तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मरियम प्रभु के पास आती है और अपना प्रेम दिखाने हेतु उनके पैरों का लेपन करती है और वहां पर हम देख रहे हैं कि यूदास इस्करियोती इसकी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। प्रेम की कहानी है और एक धोखे की भी कहानी है। प्रेम बड़ा एक्सपेंसिव रहता है, वहां पर हिसाब नहीं रखा जाता है, लेकिन जहां पर स्वार्थ है और जहां पर धोखा है और वहां पर हर चीज की हिसाब होती है। यही बात आज के सुसमाचार में है। आज के सुसमाचार को हम इसी बातों पर संक्षिप्त कह सकते हैं। मरियम अपने प्रेम से प्रभु का पैर का लेपन एक बड़ा एक्सपेंसिव द्रव्य से करती है और यह देखकर यूदास इस्करियोती रहा नहीं जाता है, वो उसका हिसाब लगाते हैं। अगर ये लेप बाहर बेच दिया जाए और उसके लिए वह एक बड़ा अच्छा सा एक बहाना ढूंढ लेते हैं, गरीबों का बहाना, कि इससे जो पैसे प्राप्त होगा वो गरीबों के बीच में बांटा जा सकता है, वो अपना स्वार्थ के कारण ये बात वहां पर रखते हैं। वहां पर बड़ी साब रखने वाले यूदास को हम देखते हैं और इसी कारण हम जानते हैं 30 सिक्कों के लिए वह प्रभु के साथ सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा धोखा कर लेते हैं। धोखे की कहानी, प्रेम की कहानी। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, हम सभी के जीवन में भी इस प्रकार प्रेम की कहानियां भी होगी, धोखे की कहानियां भी होगी। जो लोग आपके प्रिय हैं तो आपके लिए वह सब कुछ लुटा लेते हैं, कोई हिसाब नहीं रखते हैं। जो हिसाब रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं।
प्यारे भाई और बहनों, जब आप इन परिस्थितियों से जब गुजरते हैं, धोखे से भी गुजरते हैं, प्रेम से भी गुजरते हैं, हर समय इस बात को अवश्य याद रखें। यह हम सबों के जीवन का एक हिस्सा है, जहां पर प्रेम भी हो सकता है, जहां पर धोखा भी हो सकता है, प्रभु के जीवन में भी हुआ है। हम और आप उसके परे नहीं हो सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इन दिनों में हम विशेष रूप से प्रभु के मृत्यु के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, हम उन तमाम युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो अपने जीवन में टूटे हुए हैं, विशेष रूप से धोखे के कारण टूटे हुए हैं। प्रभु उनके दिल को पुनः पूर्ण बना दे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पुत्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस पवित्र बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल। पाप की ओर से हमारी हट धर्मिता हटाने के लिए तूने इस बलिदान को दया पूर्वक तैयार किया है। ये हमारे लिए आनंद जीवन का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो आत्मा के साथ, प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके मुक्ति प्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता
और ग्रेस में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे समक्ष सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान एक स्वर में करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में हो सन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में हो सन्ना। हे प्रभु, दुवासों में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कठोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाकू एवं नव नियुक्त धर्माध्यक्ष फादर थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुथीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोस्थित हार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इने प्रभु क्रिस्त के द्वारा इने के साथ सर्वशक्तिमान पिता।
हम समल का पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु यह शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचनों के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जहां पर हमने सुना कि मरियम अपने दिल में उमड़ती प्रेम के कारण प्रभु के चरणों को धोया और वही कार्य को देखकर यूदस के दिल में जलन की भावना, स्वार्थ की भावना जाग उठी। मरियम ने प्रभु को अधिक प्यार करी जबकि यूदस प्रभु के साथ धोखा किया। प्रभु विशेष रूप से हम आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, युवा युवतियों के लिए एवं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का धोखे से अपने जीवन डिप्रेशन में ले गए हैं। प्रभु उनके जीवन में प्रभु तू एक किरण बन कर रहा, उन्हें शक्ति प्रदान कर, एक नई मंजिल उन्हें प्रदान कर। विशेष रूप से उन तमाम टूटे दिलों को प्रभु आज हम समर्पित करते हैं। सबको पूर्णता तक पहुंचाने वाले मेरे प्रभु, उनके दिलों को भी पूर्ण बना दे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपनी प्रजा के सुधी ले, जो हृदय इस पवित्र संस्कार दोबारा पुनीत बन गए हैं उन पर कृपा दृष्टि डाल। मुक्ति की जो औषधि हमें तेरी दया से प्राप्त हुई है उसे हम तेरी सहायता दोबारा सुरक्षित रख सके, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। Oh,